Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss regarding the secretarial audit, why it is to be done, which companies are required to get it done, and who can conduct the secretarial audit. Sabse pehle, what is secretarial audit? Secretarial audit relates to the word company secretary. तो यानी कि जो भी कंपनी का सेक्रेटोरियल वर्क होता है यानी कि कंपनी के लॉज रूल्स रेगुलेशन गवर्नेंस क्या कंपनी उनको प्रॉपरली फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है कंपनी के ऊपर जो भी एक्ट एप्लीकेबल है क्या कंपनी उसको पूरी तरह से फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी है तो क्या वो कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को आर के अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है या नहीं अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस एक्ट को आई की रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है जिस तरह से सेक्रेटेरियल ऑडिटर का वर्क होता है कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना उसी तरह से सेक्रेटेरियल ऑडिटर का वर्क होता है कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को चेक करना कि कंपनी प्रॉपरली उनको कर रही है या नहीं कर रही है या कंपनी के जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं मिनट्स मेंटेन करने हैं कंपनी ने सभी कुछ अपनी पूरी एक्टिविटीज को एक लॉफुल मैनर में एक प्रॉपरली वे में किया है या नहीं किया है यही काम होता है सेक्रेटेरियल ऑडिटर का और जो सेक्रेटेरियल ऑडिट ऑडिटर ऑडिट करता है वो कंपनी को एक सेक्रेटेरियल रिपोर्ट बना के देता है जो अनेक्स की जाती है विदि बोर्ड रिपोर्ट इन फॉर्म एमआर थ्री नाउ वॉट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्रेटेरियल ऑडिट सेक्रेटेरियल ऑडिट क्यों किया जाता है क्योंकि ये एक इफेक्टिव मैकेनिज्म है टू इंश्योर कि कंपनी के जितने भी लीगल या रिक्वायरमेंट्स जितनी भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लाई की गई हैं सेकेंडली ये एक डायरेक्टर्स में कंपनी के प्रमोटर्स में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है कि उनकी कंपनी के सारे ही कंप्लायसेस को पूरा किया गया है नेक्स्ट जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने मेन बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं क्योंकि कंप्लायसेस का पार्ट सेक्रेटेरियल ऑडिट देख लेता है नेक्स्ट इज एक जो इमेज बिल्डअप होती है कंपनी की क्योंकि कंपनी ने प्रॉपरली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई किया है इसके साथ ही जो सेक्रेटेरियल ऑडिट है ये एक इफेक्टिव कम्प्लायंस मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस टूल है इसके साथ ही जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी एनालाइज कर सकते हैं कि कंपनी ने किस लेवल तक कम्प्लायसेस को पूरा किया है और कंपनी ने एक गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस को फॉलो किया है तो आपके उससे इन्वेस्टर्स भी बिल्डअप होते हैं और इन्वेस्टर्स का भी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए

नो no मैटर उस लिस्टेड कंपनी की कितनी पेड अप शेयर कैपिटल है कितना टर्न ओवर है कितनी लोन्स है कितनी बोरोइंगस है मैटर नहीं करता है जैसे ही वो लिस्टेड कंपनी है उसको सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना मैंडेटरी है सेकेंडली जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती हैं उनकी अगर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है या फिर उसका टर्न ओवर करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना है नेक्स्ट एवरी कंपनी कोई भी कंपनी हो अगर उसके आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हंड्रेड करोड़ से ज्यादा है या हंड्रेड करोड़ है तो उस कंपनी को भी अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना मैंडेटरी है इसके साथ ही और कौन सी कंपनी को करवाना है अगर आपकी कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी है विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी तो कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो अगर वो कंपनी ये जो अप कैपिटल या रिजर्व या टर्न ओवर का क्राइटेरिया को फुलफिल करती है तो आपको भी अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना है ये जो सेक्रेटेरियल ऑडिट होगा इट विल अनेक्स विद द बोर्ड रिपोर्ट Means, एक बोर्ड रिपोर्ट के साथ जाएगा अ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म में जिसका नाम है एम आर थ्री अपार्ट फ्रॉम कंपनी है मटीरियल सब्सिडरी कंपनीज है उनको भी अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना मैंटरी है मटीरियल सब्सिडरी कंपनी मीन्स वो ऐसी कंपनी जिसकी जो इनकम या नेटवर्थ एक्सीड करती है टेन परसेंट ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ मीन्स जो होल्डिंग सब्सिडरी का कंसोलिडेशन अकाउंट बनते हैं तो उस कंसोलिडेशन में जो इनकम है उसकी टेन परसेंट से ज्यादा अगर वो इंडिविजुअली सब्सिडरी इनकम की इनकम है या नेटवर्थ है तो वो कहलाएगी उस होल्डिंग कंपनी की मटीरियल सब्सिडरी कंपनी तो ऐसे केस में अगर आप मटीरियल सब्सिडरी कंपनी हो तो आपको भी अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना मैंडेटरी है नाउ हु कैन कंडक्ट सेक्रेटेरियल ऑडिट सो ओनली एंड ओनली अ अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हु इज होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन ओनली कंडक्ट द सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड फर्निश द सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट टू द कंपनी Thank you so much. I hope it is clear. Please do not forget to like, share and subscribe and stay connected for further videos.